रामनवमी पे इंदौर में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 35 तक पहुंच गई है। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, सुबह हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुएं में अभी और कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, कितने शव हो सकते हैं, इसका तो अभी फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि रामनवमी के दिन सुबह 11 बजे ये हादसा हुआ, उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अभी भी जारी है। 35 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। आप देखिए कि पूरी तरीके से सेना ने जो है यहाँ पे कल रात को आकर के मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद तेजी से शवों को निकालने का काम फिर शुरू किया था। शुरुआत में जरूर कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जब सेना यहाँ पहुंची तो उसने जो टेक्निक उनके पास थी उसके जरिए सबसे पहले उन सरियों को काटा गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी ज्यादा देरी हो रही थी। लेकिन सेना ने आकर के जब यहाँ मोर्चा संभाला तो उसके बाद तेजी से काम करते हुए यहाँ पे शवों को निकाला गया। ये कुआं रात भर इसी तरीके से लाशें उगलता रहा और उसके बाद अब संख्या जो है बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो जगह भी है जहाँ पर तमाम लोग गिरे थे कुएं में और इसी में से फिर अब लगातार शवों को बाहर निकाला गया है। और आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो शुरू हुआ था गुरुवार दोपहर से 11 बजे के बाद से वो अभी भी जारी है। हालांकि अब बहुत जल्द सेना का ऐसा मानना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि अंदर और बहुत ज़्यादा शवों के होने की आशंका ना के बराबर है। कुछ शव हो सकते हैं या दो शव और हो सकते हैं, लेकिन मृतकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस संभावना से फिलहाल फौज इनकार कर चुकी है। लेकिन रामनवमी पर इंदौर में हुए इस हादसे में 35 लोगों की अब तक जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से भी ज्यादा चल रहा है। इस वक्त सुबह का समय है, मंत्री तुलसी सिलावट इस समय हमारे साथ मौजूद है, जल संसाधन मंत्री हैं। एक बहुत दुखद हादसा और इसकी कल्पना शायद किसी ने ना की होगी, इतने रामनवमी वाले दिन इतना बड़ा हादसा। इस दुखद घटना पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं व्यक्त करूं, इससे दुखद घटना कुछ हो सकती है, भारी चिंता का विषय है। 35 लोग हमसे बिछड़ गए हों और पवित्र रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री जी पल पल की नज़र रखे हुए हैं, इस दुख की घड़ी में जो हमसे बिछड़े हैं, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। इसमें एक बात निकल के सामने आ रही है, ये अवैध रूप से जो है ये बना हुआ था स्लैब जो है, ये इंदौर नगर निगम ने बकायदा इनको चिट्ठी भी लिखी थी। मुख्यमंत्री जी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं, जांच पर जो बिंदु आएंगे हर बिंदु पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। किसी को इसी दुखद घटना क्या होगी, उसमें जो लिप्त हो उनको तो कार्रवाई होना चाहिए। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि काफी पहले इसको कार्रवाई के लिए नगर निगम की तरफ से यहाँ पे टीम भी पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों ने ही यहाँ से उस टीम को फिर काम नहीं करने दिया। अभी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पहले हम बचाव कार्य में जो कैजुअल्टी हुई है, जो एक हमारे परिवार का व्यक्ति एक अंदर बचा है, उसको बाहर निकालने की कोशिश पूरी टीम कर रही है, उसमें लगे, उसके बाद आप जो कह रहे हैं पूरी कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद करने की। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं और यहां पर बता रहे हैं कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर जरूर रख दिया है, जिसमें पूजा करने आए कभी 35 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, इंदौर आज तक।